لي صدري शैतम لي أمري रबी शरली सदरी لساني अमरी الله الرحمن الرحيم अब तमाम लोग डियर स्टूडेंट्स इससे पहले की क्लास में ये चीज़ हम लोगों ने डिस्कस किया था अल्हम्दुलिल्लाह लेटर्स जो अरबिक लेटर्स हैं वो लेटर्स की आइडेंटिफिकेशंस और लेटर्स जो लेटर हैं उनके डिफ़रेंट डिफरेंट जो मखारिज हैं और उनके साथ हमने अलीफ से लेके कर यहाँ तक जो काउंटिंग ऑफ अरबिक अल्फाबेट्स हैं इन चीज़ों के बारे में इन चीज़ों के बारे में हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था सो so, मैं आप लोगों के लिए एक ईजीफुल वे के तौर पे रिकॉर्डिंग इन प्रोवाइड कर देता हूँ जिससे आप इसे घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और देन आपको अगर क्लासेस uh, वगैरह में कुछ डाउट्स हो तो सो वो आपके क्लियर्स हो जाएंगे इसमें सबसे मेन पॉइंट्स है कि लेटर्स जो मखारिज जिसे कहा जाता है यानी कि तजवीद और तजवीद के साथ कुरान पढ़ना ये लाजिम है बग़ैर तजवीद के मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स भी आप लोगों के सामने में पेश किया था कि तजवीद और बगैर तजवीद यानी कि मरूफ मजहूल और क़ुरान को किस तरीके से पढ़ा जाए तो मैं सबसे पहले जैसे कि आपके स्क्रीन में नज़र आ रहा है जो हम लोगों के स्क्रीन में एलि से लेके यहाँ तक के जो लेटर्स हैं वो लेटर्स को हम कैसे पढ़ेंगे तरीका क्या है तजवीद के साथ हम कैसे पढ़ेंगे जैसे अलिफ अलिफ बीम है खल जैल रीन شين صاد دواد طه زه عين قين فه قاف كاف لام ميم نون فاو ها حمزه या yeah, yeah. तो ये अलीब से लेके कर यहाँ तक टोटल जो थर्टी लेटर्स आपके सामने पेश किया गया तीसो हर्फ को कैसे हम लेटर्स को सही तरीके से पढ़ें तो so, इनशाला आप लोग भी इस चीज़ को रिवाइज़ करें घर में और अपने जितना आप लोग इन इसे प्रैक्टिस करते हैं और लेटर्स के साथ बाय वर्ड बाय वर्ड करके इना वो आप लोगों के लिए उतना ही आसान और इजी हो जाएगा फजमल ख़ैरन अल्लाम आईकम वरहि